छेड़ भूमि को कब्जा मुक्त करवाने का मामला। अपना आशियाने बचाने की गुहार लेकर हजारों लोग उतरे सड़कों पर। शहर में निकाला शांति मार्च, सौंपा ज्ञापन, मांगा आम जन से सहयोग। रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहब के नजदीक श्री गुरु रविदास मंदिर से शुरू हुआ शांति मार्च। शांति मार्च में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हुए शामिल। बाजारों से होता हुआ नेहरू सचिवालय पहुंचा शांति मार्च। डीसी सिरसा को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम सौंपा ज्ञापन। अपना घर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज सुबह हजारों की तादाद में रानिया रोड स्थित ठेर निवासियों ने शहर में शांति मार्च निकाला। शांति मार्च के जरिए हजारों लोगों ने अपना आशियाना बचाने की गुहार लगाई और आम जन से इस संबंध में सहयोग मांगा। शांति मार्च में इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, पदम जैन, कांग्रेस नेता होशियार शर्मा, नवीन केडिया, इसके साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा, गोकुल सेतिया व अन्य नेता शामिल हुए। लघु सचिवालय पहुंचने पर एक बार स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सभी प्रदर्शनकारी जो शांति मार्च में आए थे डीसी को मांग करने लगे कि डीसी यहाँ एक ज्ञापन ले, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया और शांति मार्च का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला। डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, अतः वो केवल कोर्ट का ही सहारा ले, यानी आगे हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट में अपील करें और उनका जो सहायता प्रशासन की तरफ से दी जाएगी वो करेंगे। अब देखना होगा कि संघर्ष समिति आगे क्या कदम उठाती है ताकि इनका आशियाना बचा रहे। सिरसा से सुरेंद्र भाटिया व अमर सिंह की रिपोर्ट। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 2012 की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही है, उसमें हाई कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई चल रही है और उनको कहा गया कि अगर कोई रेमेडी चाहते हैं तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लीगल रेमेडी के लिए वो अपील कर दें। हम इसमें कोर्ट के आदेशों से बाउंड हैं, हम कोर्ट के आदेशों की पालना करना हमारा कर्तव्य है, सरकार बाउंड है। सरकार ने रिहैबिलिटेशन के लिए, हमने अवगत कराया उनको कि रिहैबिलिटेशन के लिए 754 जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं किफ़ायती रेट पे दिए हैं, वहाँ पे 754 फ्लैट पे लोग बैठे हैं, जो 28 एकड़ हमने खाली कराई है, तो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हुआ है। आगे भी सरकार रिहैबिलिटेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों का हम पालन करने के लिए बाध्य। हम अपने स्तर पे इनको कोई आश्वासन दे कि ये नहीं हो पाएगा, हमारा उसमें अख्तियारात नहीं है। हमारे जो हमारी कार्रवाई चल रही है, हम अपनी कार्रवाई आगे चलाएंगे। हमने इनसे आग्रह किया है, कुछ दिन पहले हमारी टीम वहाँ गई थी तो इन्होंने उनके साथ हाथापाई करी है, उसमें FIR भी लॉज हुई है। तो हमने इनको कहा है आप हमारे बंदों के साथ हाथापाई ना करें, आप उसके जगह आप लीगल रेमेडी ढूंढें, लीगली अपनी कार्रवाई को चलाएं। लीगली अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी टीम के साथ अगर आप हाथापाई करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन ही निकलने वाला। हाईकोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि अगर कोई दिक्कत आती तो हम आर्मी भेजने को भी तैयार हैं, और शिमला वाले इंसिडेंट में हाईकोर्ट ने आर्मी की ड्यूटी भी लगाई है, शिमला MC वाले केस में। तो मेरा अनुरोध इनसे यही रहा है कि आप अपनी टीम जो संघर्ष समिति बनाई है या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव लोग आए हैं, आप अपने किसी लीगली काउंसिल से मिलें, लीगली राय लें उनसे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चाराजोई करें। अगली डेट है 24/9, तो 24/9 से पहले हमारी जो कार्रवाई चल रही है एविक्शन की, मैंने इनको कहा है कि आप हमें काइंडली कोऑपरेट करें, आइंदा से हमारी टीम के साथ आप किसी तरह की बदसलूकी ना करें। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम अपनी टीम जो 11 मेंबरी टीम बनाई है वो साथ जाएगी और हमारी टीम के साथ किसी तरह की बदसलूकी, हाथापाई वगैरह नहीं होगी, हमें अपना काम करने दिया जाएगा। ये अपनी इन्होंने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट इनको चाहिए अपील करने के लिए, तो हमने इनको कहा है जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो यथासंभव हम आपको उपलब्ध करवा दें।